नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीप्रीज से। हम आपको बताते खबर सीप्रीज जिले के अंतर्गत पिछोर विधानसभा से आ रही है, जहां पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बीते 6 दिन पहले से अनशन पर भूमि हड़ताल पर बैठे ओबीसी महासभा विशेष सदस्य प्रीतम सिंह लोधी द्वारा बताया गया कि जहां बीते दिनों पहले अतिवृष्टि से होने वाली किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, इसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसके साथ पिछोर अनुभागीय अधिकारी एसडीएम बृजेंद्र सिंह यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर ओबीसी महासभा विशेष सदस्य प्रीतम लोधी को आश्वासन दिया है। बताया कि जो हमारे विभाग के दायरे में आती है उन्हें हम पूर्ण करेंगे, लेकिन ओबीसी महासभा सदस्य प्रीतम सिंह लोधी नहीं बताया कि जिसे जिले एवं प्रदेश से संबंधित काम है। बताया कि जिले एवं प्रदेश के अधिकारियों के हाँ या ना की जवाब का इंतजार है। यदि हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन समय तक आमरण अनशन भूखर तल पर जारी रहेगा। कुछ प्रदेश की आप जिले में भेजिए, प्रदेश में भेजिए, लेकिन जिले और प्रदेश से अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, ना हाँ की आई है ना की आई है, और जब तक नहीं आएगी जब तक मैं बैठा रहूँगा। उसके निराकरण के लिए चाहे वो मुझे महीना हो जाए चाहे दो महीना हो जाए, जब तक मांग पूरी नहीं होंगी जब तक अनशन चलता रहेगा। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ओबीसी एससी एसटी के लोगों को एक संदेश जरूर दूंगा। आज दीपावली का दिन है और दीपावली का पर्व है, इस पर्व को बड़े प्रेम धैर्य पूर्वक मनाएं। ओबीसी एससी और एसटी के लोग एक दूसरे के घरों में दीपक देने जाएं, रखने जाएं, एक दूसरे से संपर्क करें, इससे प्रेम बढ़ेगा। दूसरी चीज़ एक और है, और मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। इसके 11 दिन बाद हम एक पर्व मनाते हैं, इसको हम बोलते हैं देवठान, और देवठान हम गन्ना रख के मनाते हैं। अपने सब घरों में गन्ने ले जाते हैं 5-5, और फिर वहाँ पूजन करते हैं और पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के मनाते हैं। ऐसे ही एक परिवार ओबीसी एससी और एसटी का एक परिवार बन के हर मोहल्ले हर गली हर चौराहे पे अगर हम एक एक गन्ना लेके और हम जो बनाते हैं चाहे वो पुआ समझ लो, चाहे वो उनको खाने के लिए जो बनाते हैं, जब हम पुआ बोलते हैं गुलगुले बोलते हैं उनको, ऐसे लेके जाएं, एक ही जगह रखें, एक ही बर्तन में रखें, और वहाँ पर बैठ के जितने भी लोग देवठान उठाएंगे और प्रसाद के रूप में खाएंगे, इससे प्रेम बढ़ेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, और इससे भाईचारे से संगठित भी हो गए आप लोग। और मैं जो अनशन पर बैठा हूँ मुझे एनर्जी मिलेगी, और आप लोग ऐसा कर लोगे और उसकी वीडियो बना के नहीं आप लोग डालोगे तो एक दूसरे भाई को जो वीडियो मिलेगी तो वो भी लोग आपके संपर्क में आएंगे। तो ये मैं मानूंगा कि मैं चाहे एक महीना बैठूं चाहे दो महीना, अगर ऐसा आप लोगों ने कर लिया तो मैं अपने अनशन को आमरण अनशन को मैं सफलता मानूंगा कि मैं सफल हूँ। ऐसी ही ताजा तरीके खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर खबर से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।